आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल हेयर ग्रोथ ऑयल बनाना सिखाऊंगी, जो कि एक ही बार के इस्तेमाल में आपके बालों के झड़ने को बिल्कुल रोक देगा, आपके बालों की थिकनेस को बढ़ाने में भी मदद करेगा। यहां पर सबसे पहले मैंने इस्तेमाल करा है एलोवेरा का। तो एलोवेरा की फ्रेश लीफ मैंने अभी अभी तोड़ी है, मैंने अपने घर पर ही एलोवेरा का पौधा लगाकर रखा हुआ है। छिलके को मैं इस तरीके से निकालती जा रही हूं। सबसे पहले साइड्स को कट करना है, उसके बाद आप ऊपर वाले पील को इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। और अब तो एलोवेरा जेल को निकालना बड़ा ही आसान हो गया है। स्पून की मदद से सारे एलोवेरा जेल को एक ही बार में स्कूप आउट कर लीजिए। एलोवेरा हमारे बालों में से फ्रिज को रिमूव करने का काम करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, बालों को इतना ज्यादा मैनेजेबल बना देता है कि ऐसा लगेगा कि आपने पार्लर में जाकर कोई महंगा हेयर स्पा ट्रीटमेंट कराया है। एलोवेरा हमारे बालों की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आज मैं आपको एक हेयर ऑयल बनाना सिखा रही हूं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग ऑयल का यूज करा है। या तो आप आधी कटोरी नारियल का तेल यूज करें, या फिर आधी कटोरी आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन दे रही हूं, आप चाहें तो आधी कटोरी यहां पर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल ठंड में बालों पर अप्लाई करने से डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम ड्राई स्कैल्प के कारण ही होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने रख दिया है और इस गर्म ऑयल में हमें एलोवेरा को डालना है। ये हमारा क्रश करा हुआ एलोवेरा है जिसे मैंने इसमें डाल दिया है। धीमी आंच पर आप इस ऑयल को अच्छी तरीके से पका लीजिए। तेल हमारा जलना नहीं चाहिए। एलोवेरा को हमें केवल कुछ देर के लिए अंदर डुबो कर रखना है इस ऑयल में और इसे पकाना है, ताकि एलोवेरा की सारी गुडनेस इस हेयर ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए। एलोवेरा का पूरी की पूरी एक लीफ का मैंने यूज करा है और बची हुई जो लीफ है ना, उसे हम फ्रिज में रख देंगे। एलोवेरा की लीफ फ्रिज में काफी दिनों तक खराब नहीं होती है। और इसे मैंने अब बॉइल करना शुरू कर दिया है। इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। धीमी आंच पर आप इसे बॉइल करें, वरना इसके छींटे बहुत ज्यादा उड़ेंगे और आपको लग भी सकती है। तो इस हेयर ऑयल को आप लोग ज्यादा मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। किसी भी ग्लास के जार में थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए इस हेयर ऑयल को, और महीने भर तक का बना के रख लीजिए। ये हेयर ऑयल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हफ्ते में केवल दो ही बार आपको इसका यूज करना है, दो बार सारा यूज मत करिए। और इसे लगाकर रखना है एक पूरी रात के लिए। रात भर इस हेयर ऑयल को अपने बालों पर लगाकर छोड़ दीजिए। ये हेयर ऑयल रात भर आपके बालों को रिपेयर करेगा, आपकी हेयर रूट्स को मजबूती दिलाने में भी मदद करेगा। ये आपकी बालों की जड़ों को बिल्कुल सुपर डुपर स्ट्रांग बना देगा। हेयर रूट्स अगर स्ट्रांग होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल में आ जाएगा। इस हेयर ऑयल को बॉइल करते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। बस अब हम इसे छान लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, एलोवेरा को हमें जलाना नहीं है, केवल कुछ देर के लिए आपको इसको बॉइल करना था। तो अब मैं इसे छान रही हूं। ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा आया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल नेचुरल होममेड प्योर होममेड एलोवेरा हेयर ऑयल हमारा बनकर रेडी हो गया है। पूरे बालों पर आपको इसको अप्लाई करना है। बालों की पूरी लेंथ पर अप्लाई करें, हेयर रूट्स पर अप्लाई करें, अच्छे से मसाज करें और इसे एक रात के लिए लगाकर छोड़ें। फिर मॉर्निंग में सुबह आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। कमाल के रिजल्ट।